पीडब्ल्यूडी द्वारा नहरूमपुर में कराए जा रहे कार्य का श्रेय लेने की जनप्रतिनिधियों में लगी होड़। महाराजगंज ब्लॉक के देवारा कदीम से छोटी सरजू तक स्थित पीच रोड पर नहरूपुर गांव के पास कई वर्षों से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर 2 फुट गड्ढा हो गया था, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने विधायक, एमपी व ब्लॉक प्रमुख से की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लोगों की मांग पर टूटे हुए पिच रोड को ईंट व राबिश डलवाकर मरम्मत कराया जा रहा है। उसके निर्माण कार्य का श्रेय लेने के लिए जनप्रतिनिधियों में होड़ सी मची हुई है। जानकारी के अनुसार एक तरफ नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक नफीस अहमद जनता में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यह कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा है। इसके बाबत जब पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह पीडब्ल्यूडी का रोड है और यह कार्य भी उसी के द्वारा कराया जा रहा है। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मद नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रांति न फैलाएं, इस रोड पर पीडब्ल्यूडी का हक है और उसे कार्य करने का पूरा अधिकार है। अन्य किसी भी मत से कार्य कराने पर भुगतान में अड़चने आ सकती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जनप्रतिनिधि अपने लोगों से प्रचार प्रसार कराकर खुद श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से प्रमुख निर्वाचित नहीं हुआ था, वो पूरे देवरांचल को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और हम लोग उसी मार्ग से जब भी दिल्ली का आवागमन है कम से कम दिन भर में 3 से 4 हज़ार बच्चे उस रास्ते से आते जाते हैं, स्कूल से पढ़ने वाले। और मुझे प्रमुख निर्वाचित होने के बाद पूरे क्षेत्र की जनता, देवरांचल की जनता, देवरांचल के बाहर की उधर के जितने भी महाराजगंज साइड के उधर से लोग आते जाते थे वो सारे लोगों की ये शिकायत थी। मैं राम केदार यादव, अध्यक्ष देवारा विकास सेवा समिति। यहाँ पर ग्राम पंचायत देवारा कदीम में एक मार्ग है जो कि पूरे देवारा क्षेत्र को ब्लॉक और जिले से जोड़ता है। 2 सालों से टूटा हुआ था और यहाँ पर पानी भरा हुआ था, काफ़ी समस्या हो रही थी लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही थी, जिसको दवाई लेना है, अस्पताल जाना, उसको दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को काफ़ी बार हम लोगों ने लेटर दिया, इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, धान की रोपाई भी हुई, गांव वाले काफ़ी परेशान थे और नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख से लोगों ने कहा कि महोदय आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने अपने मत से, अपने जेब से पैसा लगा करके यहां पर काम करवाना शुरू किया, ईंट की टुकड़ियां गिराना शुरू किया। इसी बीच राजनीतिक दल के कुछ लोग जो है राजनीतिक लाभ लेने लग गए और यहां तक कि जो यही है, यही सुबह मेरे से बात की है तो कह रहे हैं नहीं हमारा काम यहाँ नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों से कह रहे हैं नहीं हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काम यहाँ होना चाहिए, जनता को फायदा मिलना चाहिए और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका श्रेय पूरी तरह से ब्लॉक प्रमुख, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी मत से नहीं अपने जेब से पैसा लगा करके यहाँ पर सामान गिरवाया है, जिसमें फौजदार यादव जिला पंचायत सदस्य के भट्टे से सारा सामान आ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि काम होना चाहिए, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, और जो राजनीति कर रहे हैं उनको मैं यही सुझाव दूंगा या निवेदन करूंगा, ऐसी रास्ता बहुत देवारा में है, उसको आप बनवाने की कृपा करें। पुर में आप काम करवा रहे हैं और किसके माध्यम से हो रहा है उसी की जानकारी लेना था। आपको क्या करना है? पीडब्ल्यूडी काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी काम चल रहा है तो किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा होता होगा ना? तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि कौन करवा रहा है। साइट पे चले जाइए, वहीं पता चल जाएगा आपको वहाँ पे कौन है। वहाँ पे सब लोग हैं जो है। सब लोग में कौन है वहाँ पे? लेबरों से पूछेंगे, वो बताएंगे, क्या बताएंगे? हम बता रहे हैं ना काम हो रहा है पीडब्ल्यूडी का। किसी कोटे से हो रहा है क्या? ऐसे पीडब्ल्यूडी से हो रहा हो? पीडब्ल्यूडी से हो रहा है, कोटा कौन सा होता है? अच्छा अच्छा, किसी कोटे से नहीं हो रहा है, एमपी एमएलए या ब्लॉक प्रमुख किसी कोटे से नहीं हो रहा है? कोटा से नहीं हो रहा है किसी का। पीडब्ल्यूडी का रोड है तो कोटे से कैसे करा सकते हैं भाई? वही तो आपसे हम जानना चाह रहे हैं। हम आपको वही तो बता रहे हैं ना सही बात। अच्छा, अगर पीडब्ल्यूडी की रोड है तो कोटे से किससे करा लेंगे? अच्छा, पेमेंट नहीं कर पाएंगे ना, करा भी लेंगे तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पीडब्ल्यूडी के रोड पे करा ले जी, पेमेंट कैसे करेगा आप बताइए? स्वामित्व तो उसका है नहीं। नहीं, जैसे हमको पता चला है तो हम कहीं जरा सा आपसे बात करें मिलके। कोई ठेकेदार फ्री में तो काम करता नहीं है, कहीं ना कहीं से पेमेंट चाहिए ना उसको भाई। वो तो सही है, कहीं से पेमेंट तो चाहिए उसको। वही बात है ना।